नवरात्रि में करो खुशियाँ वाली लाली दिल से चुनिए कोई एक 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 माता रानी के चरो जय माता जय माता श्री कृष्ण कैसे कैसे है आप सब? हम, हम, आशा खते हैं खते हैं हम सब, मंद होंगे सेहतमंद होंगे जिंदगी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हो हमारी ईश्वर से यही प्रार्थना है माता रानी से है कि आप जो भी इच्छाएं है कि सब पूरी हो जाए बनना लिखा है, लिखा है, है, माता रानी है, हो जाए आप जो चाहते हैं चरण है आपके सामने नौकरी मिले जो पॉजिटिव हो नेगेटिव चरण चुन लेना है एक टॉपिक है आज का कि नवरात्र में आपको मिलने वाले माता रानी की तरफ से कोई आशीर्वाद कुछ बताएंगे वही ऑप्शन में करने में मदद करें

लेकिन उसके पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके लाइक करके शेयर करके थोड़ा सा प्यार हमें दे दीजिए साथ ही कमेंट बॉक्स में जय माता दी के जरूर जयकारी लगाएं जय श्री कृष्णा लिखें जिसे भी आप मानते हैं थैंक्स टू यूनिवर्स लिखें जिस किसी को भी मानती हैं उसके लिए अपना ग्रेटिट्यूड सेंड करें अपना आभार व्यक्त करें ऐसा करने से ही हमें उनका बहुत आशीर्वाद मिलता है जिनके बारे में आप सोच रहे हैं तो अपने ईश्वर को याद करके आपने ऑप्शन चुन लिया है और अब हम आपको बता देते हैं कि आपके नसीब में बहुत सारा धन रुपया पैसा है लेकिन अभी थोड़ा इंतज़ार करिए बहुत पेशेंस रखा है आपने बहुत लंबा समय आपने इंतज़ार किया है पर अभी इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म नहीं हुई हैं थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए पेशेंस रखिए क्योंकि ईश्वर आपकी परीक्षा ले रहे हैं और आप उस परीक्षा में पूरी तरह से सफल हो रहे हैं आप बहुत तन मन धन से अपने ईश्वर को बहुत श्रद्धा भक्ति रखते हैं उनका बहुत श्रद्धा भाव पूर्ण भाव से आप उनकी सेवा पूजा करते हैं आप उनका ध्यान करते हैं और अभी आपकी जो परीक्षा हुई है क्योंकि ईश्वर उसी की परीक्षा लेता है जो उनका भक्त हो तो ईश्वर ने ये चीज़ देख ली है कि आप बहुत अच्छे हैं दिल के बहुत साफ़ हैं किसी के साथ गलत नहीं करते हैं आपको जो भी अभी तक प्रॉब्लम हुई है जो भी आपने समस्याएं फेस की हैं वो सब कुछ आपकी एक परीक्षा का हिस्सा थी तो ज़िंदगी में सब कुछ चलता है उतार चढ़ाव सभी की ज़िंदगी में आती है दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि जो बहुत पैसे वाला है बहुत सुखी होगा ऐसा हम सोचते हैं पर जितना ज़्यादा पैसा होता है लोगों के पास उनके दिन और रातों की नींद सब कुछ छिनी हुई रहती है जी हाँ उनके पास ना चैन की नींद होती है ना दिन में बिल्कुल भी चैन मिलता है उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं दुनिया भर की सौ टेंशन होती हैं तो कोई भी जीवन में सुखी नहीं है पर हाँ सुख और दुख सब ईश्वर के हाथ में सब कुछ चक्र समय का चक्र जो चलता है उसमें हमें कभी सुख मिलता है कभी दुख मिलता है तो किसी भी समय में देखिए कभी भी इतने स्वार्थी ना बने कि जब आपको ज़रूरत है तो आप भगवान को याद कर रहे हैं ज़रूरत नहीं है सब कुछ अच्छा चल रहा है तो आप ईश्वर को बिल्कुल भूल ले रहे हैं। ऐसा नहीं करना है तो इस तरह से अपना स्वार्थ ईश्वर के सामने नहीं दिखाना है हमेशा उनको सच्चे मन से आप माने उनकी श्रद्धा भक्ति करें तो फिर आपका समय कभी बुरा आएगा ही नहीं कहते हैं कि आप जिस भी एनर्जी में रहो उसी एनर्जी को अट्रैक्ट करते हो अगर आप ईश्वर की पूजा करते हो तो आप हमेशा पॉजिटिव एनर्जी उनसे मिलती है हमेशा पॉजिटिव एनर्जी मिलती है देखिए जब बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ़ है मन बहुत ज़्यादा अशांत हो तो आप ईश्वर की शरण में जाए मंदिर जाए आपका मन एकदम शांत हो जाएगा आपका मन खुश हो जाएगा कितने ही दुख क्यों ना हो मन में एक शांति का भाव आ जाता है तो ईश्वर की शरण में जाकर हमेशा आपको कुछ ना कुछ मिलेगा अगर आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है तो आप अपने काम को ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं और अपने आत्मविश्वास को बढ़ाकर आप किसी भी काम को जब करेंगे तो उसमें आपको सफलता भी मिलेगी बस वही बात है कि आपकी सफलता अब आपसे दूर नहीं है आपके नसीब में बहुत सारा धन रुपया पैसा सब कुछ है सब कुछ मिलेगा जितने भी आपके सपने हैं वो सब पूरे होंगे एक एक कर लेकिन आप बहुत धैर्य रख चुके हैं और अब आपको बहुत अच्छा समय भी देखने को मिलेगा ऐसा आशीर्वाद है माता रानी का अब बात कर लेते हैं सेकंड ऑप्शन की जिस किसी ने भी चुना है सेकंड ऑप्शन और जानना चाहते हैं कि क्या उनके नसीब में धन रुपया पैसा लिखा है या नहीं लिखा है तो सब कुछ बताएंगे आपको बस अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके लाइक करके शेयर करके थोड़ा सा हमको भी प्यार दे दीजिए और अगर आपने चुना है सेकंड वाला ऑप्शन और आप जानना चाहते हैं कि क्या आपको बहुत सारा धन रुपया पैसा मिलेगा क्या आप करोड़पति बनेंगे तो हम सब बताएंगे टैरो कार्ड क्या कह रहे हैं क्या मैसेज लाए हैं सब कुछ बताते हैं आपको दोस्तों आपका भाग्य जो है बहुत तेज़ी से बदल रहा है बहुत तेज़ी से बदल रहा है आपकी किस्मत में बहुत सारा धन रुपया पैसा सब कुछ है और अपनों का साथ भी है लेकिन ये सब कुछ आपको अपनी मेहनत से मिलेगा अपनी मेहनत से तो आप इतने सक्सेस होने वाले हैं किसी काम में किसी एक काम में आपको इतनी बड़ी सफलता मिलेगी कि फिर आपको कभी भी पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी जो भी समस्याएं जो भी आर्थिक तंगी आपने अपने जीवन में देखी है सब कुछ आप आपको कभी भी जीवन में देखने नहीं मिलेगी क्योंकि अब आपके कहना चाहिए किस्मत में इतना धन रुपया पैसा दिखाई दे रहा है इतना अच्छा समय आपका आने वाला है आपका वक्त बदल रहा है और आपके जीवन में अब खुशियां ही खुशियां होंगी चारों तरफ अपनों का साथ प्यार होगा परिवार होगा कैरियर में सफलता मिलेगी और आप की जो आर्थिक तंगी चल रही है बहुत दिनों से पैसों को लेकर जो समस्याएं चल रही हैं वो भी अपने आप सुलझने लगेंगी क्योंकि ईश्वर के आप बहुत बड़े भक्त हैं बहुत बड़े भक्त हैं आप और आप उनकी बहुत भक्ति करते हैं उसी से प्रसन्न होकर आपको कुछ इस तरह का आशीर्वाद मिल रहा है कि अब आपको ज़िंदगी में कभी भी रुपयों की समस्याएं देखने नहीं मिलेंगी कभी लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी इतना पैसा आपके पास आ रहा है इतना पैसा आपके पास आएगा कि आप दूसरों को भी मदद कर पाएंगे आपकी भावनाएं भी बहुत अच्छी हैं कभी आप झूठ नहीं बोलते कभी किसी का दिल नहीं दुखाते ना ही कभी धोखा देते हैं हमेशा दीन दुखियों की मदद करते हैं तो यही सारी भावनाएँ ईश्वर को नज़र आती हैं और इसीलिए अब आपके ऊपर उन्होंने कुछ इस तरह का आशीर्वाद बनाया है कि आपके जीवन की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी एक एक करके सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी आपको कैरियर में भी बड़ी सफलता मिलेगी कोई मांगलिक कार्य होते हुए दिख रहा है हो सकता है अगर आप अपनी शादी के लिए परेशान थे बहुत दिनों से तो हो सकता है आपकी शादी आपके विवाह बंधन में भी आप बंध जाएँ बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर आपको मिलेगा और बहुत अंडरस्टैंडिंग रहेगी आप दोनों के बीच तो जैसे एक मन में दुविधा होती है कि पता नहीं मुझे परिवार की तरफ से कैसा रिस्पांस मिलेगा मेरा जीवन साथी कैसा होगा मेरा कैरियर कैसा होगा मेरा फ्यूचर कैसा होगा तो ये सारे जो असमंजस की स्थिति होती है क्योंकि किसी को नहीं मालूम होता कि भविष्य में क्या होने वाला है तो ईश्वर के ऊपर आप सब कुछ छोड़ कर रखते हैं बहुत अच्छा है आपका मन बहुत अच्छा है आपका दिल बहुत साफ है और इसीलिए आपने अपने आप को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर दिया है माता रानी के आप बहुत बड़े भक्त हैं नवरात्रि में आप बहुत खुश होते हैं तो यही सब चीज़ें आपको कहीं ना कहीं पॉजिटिव एनर्जी से भर रही हैं और आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लेकर आने वाले हैं जी हाँ आने वाला वक्त बहुत सारी खुशियाँ लाएगा उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा जय माता दी जय श्री कृष्णा अपना ख्याल रखिए